नगरी क्षेत्र अंतर्गत दहेगांव रंगारी स्थित वार्ड नंबर 5 निवासी माला गुलाबी सूर्यवंशी इनके घर में दुर्लभ पपड़ीदार बिल्ली सुबह सुबह आदम की। इस प्राणी को माला ने और उसके घर में रहने वाले सदस्यों ने कभी देखा नहीं था। इस वजह से घर के लोग घबरा कर घर से बाहर निकल आए। आसपास मौजूद लोगों को माला ने इस दुर्लभ वन्य प्राणी के बारे में बताया। इसके बाद गांव में यह बात फैल गई। इस प्राणी को देखने के लिए गांव के काफी लोग कौतूहलवश माला के घर आ गए। लोगों को देख पपड़ीदार बिल्ली घबरा कर घर में ही छिप गई। सर्पमित्र मयूर नरेश कानोजी ने लोगों को बताया कि यह पपड़ीदार बिल्ली है। वन विभाग के नियंत्रण कक्ष सेमिनरी हिल्स में इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद माला इनके घर वन विभाग की रेस्क्यू टीम आई। वन रक्षक सीएस बहरकर, बंडू बलराम मगर, विलास नामदेव मगर, इन्होंने पपड़ीदार बिल्ली को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। पंचनामा के वन रक्षक पपड़ीदार बिल्ली को ले गए। पपड़ीदार बिल्ली दुनिया में सबसे अधिक तस्करी वाले जानवरों में से एक है। इस प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचित एक में शामिल किया गया है। खतरे को भांपते ही यह बिल्ली खुद के शरीर को केन जैसी गुलनुमा आकार में ले लेती है। इसे मूल रूप में लाना काफी कठिन है। इस जानवर पर कुल्हाड़ी से वार करने पर भी इसे टस से मस नहीं होती। इस वजह से तस्करी करने वाले इसे पकड़ कर खौलते हुए पानी में डालकर मार देते हैं। BCN न्यूज़ के लिए दहेगांव रंगारी से अरुण महाजन की रिपोर्ट।